बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको आटा गूंदना नहीं पड़ेगा। आपको पता है आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है कभी कभी, और आप मेरे तरीके से जब पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन, थोड़ा सा चिकन लेंगे, और ये मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। इसमें बोनलेस चिकन, कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट या कोई भी मसाला डालकर इसको तैयार कर लें। यह है चीज़ स्लाइस, और दूसरी चीज़ भी आप ले सकते हैं। यह है ऑयल, उसको पैन को ब्रश करने के लिए। यह है शिमला मिर्च एक अदद, प्याज, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च, और सबसे मेन चीज़ पेड़े। ये नान वाले पेड़े हैं जो कि आप नान वाली दुकान से लेंगे, रोटी वाले पेड़े नहीं लेने। चले अब स्टार्ट करते हैं। अब एक पैन लेंगे या कोई भी किसी किस्म का भी ढक्कन लेकर उसको हम ग्रीस कर लेंगे। अब तीन पेड़े लिए, इनको आपस में जोड़ लिया और इनकी एक रोटी बेल ली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ये हमने बेल लिया, इसको ऐसे रखा पैन के ऊपर। के साथ निशान लगा लें ताकि वो बबल ना बने। अब इसके ऊपर केचप डालें। चम्मच के साथ फैला लें और साइडों को भी कवर करें, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो साइडें नहीं खाते, इसलिए साइडों को भी अच्छी तरह कवर कर दें। शिमला मिर्च, चिकन,
इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें इसके ऊपर छिड़क देंगे और ये ओरिगानो। चूल्हा जलाकर ये देखिए को हमने पहले ही गर्म कर लिया था अच्छी तरह और ये इसके ऊपर हम पिज्जा रखेंगे। आग पहले तेज रखें और 5 मिनट बाद इसको हल्की कर दें। ये लुक दिखाती हूँ, 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा और मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार होगा। अब इसको मैं दोबारा कवर करने लगी, ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। अब 10 मिनट और रखेंगे और पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। रहीम 15 मिनट हो चुके हैं, अब आपको मैं दिखाती हूँ चेक करके। ये देखें स्टिक साफ नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये पक चुका है। और आँच बंद करें और इसको निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार। अब मानूर आपको चेक करके बताइए कि ये कैसा लग रहा है। बहुत मज़े का है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी